कहाँ चाचा जी, और कोई जगह नहीं मिला? भाई नहीं रहने पर FIR करना पड़ता पुनः जाने। ए भैया, उन्होंने लटक के काहे खड़ा रहो? पप्पी दो। बड़ी जल्दी आ गए भैया, बड़ी जल्दी आ गए। दाल में आपको दाल नहीं पानी दिखेगा सर। कैमरा भाई क्यों करे भाई, क्यों करे सर? बंद सब जगह अलाउ है। आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या? IRCTC बोल करके सर, ये क्या, ये कौन सा कैटरिंग सर्विस है? पूछ रहे हैं आप IRCTC से हैं? हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा जो जर्नी होने वाला है वो बाबा धाम टू मुंबई के लिए होने वाला है। अभी हम फिलहाल खड़े हैं जसीडीह स्टेशन में। अगर आप लोग बाबा धाम आना चाहते हो पूजा दर्शन करने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे जसीडीह स्टेशन का टिकट कटा के आप लोग बाबा बैद्यनाथ धाम आ सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम खड़े हैं, अभी हम जाएंगे यहाँ से अंदर, और अंदर जाके आप लोगों को हम बताएंगे कि कौन से ट्रेन में हम जर्नी करने वाले हैं मुंबई के लिए। तो अभी फिलहाल चलते हैं हम अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पे यहाँ का स्टेशन और यहाँ पे कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेन चलेगी। यहाँ पे देखिए चाचा जी, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे ही उतर रहे हैं। कहाँ चाचा जी, और कोई जगह नहीं मिला? और कोई जगह नहीं मिला? फिलहाल हम अभी आ गए हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और हमारा जो गाड़ी का नंबर है 12361 आसनसोल मुंबई सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि हफ्ता में एक दिन चलता है, रविवार को। रविवार को आसनसोल से ये 7:45 में चलता है और ये जसीडीह स्टेशन पहुंचता है 9:14 में, और मंगलवार की सुबह ये 6 सुबह मुंबई CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पहुँचाती है। तो टोटल ये 31 इसका सफ़र होता है आसनसोल से मुंबई तक के, और आसनसोल से मुंबई तक की इसकी हॉल्ट है 21 हॉल्ट पे, 21 स्टेशनों पे रुकते रुकते ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई को पहुंचती है। जसीडीह स्टेशन से जो है हमारी ट्रेन चल चुकी है अपने यात्रा की ओर, मुंबई की ओर। तो अब चलिए हम चलते हैं अपने सीट पे। 2 रात 1 दिन का जो हमारा घर होने वाला है, इसी बोगी में होने वाला है, B2 में होने वाला है। चलिए अपने हम सीट पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा मुझे सीट प्रोवाइड हुआ है। तो अपना जो सीट होने हो गया ये ऊपर वाला हुआ, सोचे थे नीचे वाला, लेकिन मिल गया मुझे ऊपर वाला। यहाँ 2 भाई बैठे हुए हैं, ये लोग भी मुंबई तक जाएंगे ना? आसनसोल से चले? नहीं, मधुपुर से। कैप्टन निखिल फलारी, टिकट दीजिएगा। टिकट दिखा रहा होगा, मेरा मुंबई से आया था सर। हमको आपको वो मैसेज दिखा सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमको भेज दिया गया था। काउंटर टिकट का है ना, वो रिफंड होते रहता है, इसीलिए उसको काउंटर टिकट देखना हम लोगों है। और ये नहीं रहने पर FIR करना पड़ता पुनः जाने पर, वो काउंटर टिकट रिफंड हो जाता है। अरे अच्छा, वो मतलब कि रिफंड नहीं, वैसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। एक्चुअली हम स्पॉन्सर पे जा रहे हैं मुंबई, क्या करें, मेरा तो ये फाइन के साथ बनाना पड़ता है काउंटर टिकट। ये देखो अभी आया ना, बहुत बार ऐसे रिफंड हो चुका है। एक मिनट हम बात कर लेते हैं। कहाँ पर है टिकट सर? मुंबई में, मुंबई में। सर एक काम कर सकते हैं, अगर मुंबई में डिपॉजिट हो जाएगा ना स्टेशन मास्टर के पास जी, तो हमारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो वो तो अभी कर नहीं पाएंगे ना इस टाइम। हाँ कर सकते हैं, 24 घंटा बात कर लीजिए सर। अभी मेरे साथ हुआ क्या, मेरा जो टिकट बना था वो मुंबई से बना था और काउंटर टिकट बना था। तो अभी TT यहाँ पे आया और मेरे से काउंटर टिकट मांगा, तो हम दे नहीं पाए। तो बोला कि मेरे को फ़ाइन लगेगा या फिर FIR वगैरह क्या क्या वो बोल के गया। शायद आप लोग देखे होंगे कि TT सर क्या क्या बोल के गए। तो अभी हम जो मेरे लिए टिकट कटाए थे दिलीप डोंगरे साहब मुंबई से, तो उनको हम कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका कॉल लग नहीं रहा है। अगर वो टिकट जाके रेलवे मास्टर को दे देते हैं, स्टेशन मास्टर को दे देते हैं, तो वो इनको इन्फॉर्म करेंगे, जो इस ट्रेन में TT है वो इनको इन्फॉर्म करेंगे, तब जाके मेरा क्लियर होगा। नहीं तो फिर देखते हैं, अभी तो टी
सर उधर गए हैं, अभी देखते हैं। इस कारण मुझे अब रात भर नींद नहीं आएगा, क्योंकि आगे अगले स्टेशन पे जो है टीटी चेंज होगा, तो फिर क्या होगा पता नहीं, तो देखते हैं जो होगा। फिलहाल अभी सोते हैं, फिर मिलते हैं, अगर कुछ होता है तो फिर बताते हैं, नहीं तो फिर मिलते हैं डायरेक्ट आपसे। भैया बात कुछ ऐसा है कि अभी हम निकल गए प्रयागराज चौकी से, रात को जो है मेरे पीछे बहुत सारा स्टेशन क्रॉस कर गया, जसीडी के बाद झाझा, क्यूल, पटना, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद चौकी। तो अभी इलाहाबाद चौकी क्रॉस किया है, इलाहाबाद चौकी से यहाँ से इसका रूट चेंज हो जाता है, ये MP की तरफ पड़ जाता है, सतना कटनी की ओर, और एक रूट वहाँ से चले जाता है कानपुर दिल्ली की ओर। तो अभी जो हम रूट में जा रहे हैं ये MP वाला रूट में जा रहे हैं, सतना। इलाहाबाद चौकी के बाद जो इसका अगला स्टॉपेज आता है वो सतना आता है। ए भैया, उन्होंने लटक के काहे खड़ा रहो, गिर उड़ जाओगे उधर, ऐसे मत रहो। कहाँ तक जाइएगा भैया आप लोग? मुंबई। कहाँ से चले थे? मधुपुर। मुंबई में क्या करते हैं? काम करते हैं। कहाँ पे? कहीं भी काम भाग लग गया तो। अच्छा, कहीं मतलब मुंबई के भरोसे चल दिए सपनों का शहर? हाँ, काम है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है ऐसे, तो हम लोग जहाँ मिलेगा वहाँ। यार मुंबई है, मुंबई में तो काम मिल ही जाता है। फिलहाल अभी हम लोग पहुँचे हैं कहाँ पे? सतना। तो सतना जंक्शन हम लोग पहुँच चुके हैं और MP में हम लोग का वेलकम हो चुका है, वेलकम टू MP। तो अभी सतना स्टेशन पे इसका जो होल्ड होने वाला है ये 5 मिनट होने वाला है, तो यहाँ पे जाएंगे स्टेशन पे, यहाँ पे कुछ लेंगे, जूस वगैरह कुछ खाएंगे, क्योंकि यहाँ का पेंटी कार का खाना मुझे पसंद नहीं आया, तो बाहर में ही हम यहाँ पे कुछ जूस लेके पियेंगे और चिप्स वगैरह लेके यहीं पे खा के फिर वापस ट्रेन में आएंगे। निजन भैया कैसा रिले चाहिए? ठंडा दीजिए ना, नहीं है दिल दे दीजिए ना। और एक ये क्या बोलते हैं, मूंग दाल? मूंग दाल कितना हो गए? 60 रुपया भैया। कैसे? 25 इसका 25 रुपया, ये 25 30 रुपया MRP लिखा है भैया। 30 रुपये, 5 रुपये ठग लीजिएगा। 30 रुपया ठग लिया, 25 रुपये लिखा है? नहीं, 20 रुपया, इसमें 30 रुपया, यानी कि देखो 5-5 रुपया दोनों में हमसे ठग लिया। लो पप्पी दो और आशीर्वाद दो। बाय बाय आंटी, बाय बाय दीदी, बाय बाय, हर हर महादेव। तो फाइनली यहाँ से सतना से अपना ट्रेन जो निकल चुका है, अगला स्टेशन आने वाला है कटनी। कटनी कितना देर में पहुँच जाएगा? एनी आइडिया कटनी कितना देर में पहुँचेगा? इधर आइए, ये बताएंगे। 1 बजे, तो 1 बजे के आसपास कटनी पहुँचेगा, इसका अगला स्टॉपेज कटनी होने वाला है। तो चलिए 5 रुपये में जो ठगाए हैं ना वो मूंगा खाते हैं। लो बाबा के प्रसादी, लो आप लोग भी लीजिएगा, नहीं देंगे नहीं। 17 चोर मूंग दाल का मजा ही कुछ अलग है। हल्दी नाम? अच्छा हल्दी, हल्दी नाम का ये नहीं है, बीकानेर का है। बड़ी जल्दी आ गए भैया, बड़ी जल्दी आ गए। अच्छा एक मिनट, अब यहाँ पे साफ किए, अंदर क्यों नहीं साफ किए? यहाँ पे गेट पे साफ करके फिर अंदर क्यों नहीं किए? नहीं किए,
बोलने से आप बोल दिए और कचड़ा दिखा देंगे तो कचड़ा तो है कचड़ा तो ड्राइवर मार दिया नहीं अभी आपको देखे बस यहाँ गेट के पास पोछा लगाए और चल दिए हम पूरा कोच को क्लीन करके पहले किए अच्छा उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर कचरा है थोड़ा सा है पोछ पोछवा दीजिए पोछ दिए वहाँ हटाओ जी इधर आ जाइए इधर जी जी भैया। तो बज चुका है लगभग 12:30 से 1 बज रहा है अभी हो गया है यहाँ पे खाना खाने का टाइम तो अभी चलते हैं पेंटीगार में जाके देखते हैं कि यहाँ का ट्रेन में पेंटीगार में अच्छा खाना मिलता है कि नहीं मिलता है अगर अच्छा खाना मिलेगा तो हम अपने सीट के लिए ऑर्डर कर देंगे ऑर्डर लेने वाला आया लेकिन हम ऑर्डर दिए नहीं क्योंकि हमको खुद जाके देखना है और साथ में आप लोगों को भी दिखाना है कि यहाँ पे पेंटीगार में क्या सिस्टम है कैसा खाना देता है तो चलिए चलते हैं पेंटीगार सीधा कैसे प्लेट भैया क्यों करे भाई क्यों करे सर बंद सब जगह अलाउ है आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं आप नहीं ना तो फिर डरते क्यों हैं आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं खाने में तो फिर डरते क्यों हैं नहीं नहीं आप कुछ गड़बड़ी करिएगा तभी ना डर रहे हैं आप तो फिर डर क्यों रहे हैं डर क्यों रहे हैं फिर ये क्या कर रहे हैं मेरे आगे क्यों दौड़ रहे हैं नहीं नहीं जरूर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं एक मिनट आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तभी ना ऐसे हाथ मत रखिए कैमरे पर हाथ मत रखिए कैमरे पर हाथ मत सर मेरी बात सुनिए ना आपको क्या चाहिए आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं क्या नहीं कैमरा अलाउ नहीं है सर आप डर क्यों रहे हैं भैया अरे सर अलाउ नहीं है हम डरे नहीं आपकी अरे सर अलाउ नहीं है जरूर कुछ गड़बड़ हो गया अलाउ नहीं है सर जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अरे कुछ गड़बड़ नहीं है तो फिर डर क्यों रहे हैं आप लोग अलाउ नहीं है सर हाँ अलाउ नहीं है ये बात को समझिए कैमरा यहाँ अलाउ ठीक है आप डर क्यों रहे हैं पहले ये बताइए डर नहीं रहे हम मर्डर कर रहे हैं मेरा जो आपसे डरेंगे यार हाँ तो फिर हमको करने दीजिए ना अलाउ हमको करने दीजिए यहाँ पे क्या है जो अलाउ नहीं है क्या है क्या है यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या है यहाँ जो अलाउ नहीं है अलाउ हर जगह कैमरा है अलाउ हर जगह है हम कोई भी है अलाउ हर जगह है हम कोई भी है हम कोई भी है हम रिपोर्टर है रिपोर्टर है क्यों दिखाएंगे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे गड़बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं यहाँ पे तो फिर डर क्यों रहे हैं आप क्या रिपोर्टर है ना जरूर कुछ गड़बड़ी है जरूर कुछ गड़बड़ है बनाइए ना आप रिपोर्टर है ना जरूर बनाइए ना आप तो आप गड़बड़ी कर रहे हैं तभी आप उंगली उठा रहे हैं भैया अलाउ हर जगह है भैया हर जगह है हर जगह है हम कोर्ट कचहरी थाना लेके हर जगह वीडियो बनाते हैं अरे यहाँ नहीं बनता है यार अरे हर जगह बनता है भैया ठीक है आपको मना करेंगे तो लेकिन परमिशन लेके ठीक है पूछे अचानक होता है हा? अचानक होता है नहीं, हम बहुत ट्रेन में बहुत बार पकड़े हैं गड़बड़ी है पकड़े हैं चोरी कर रहे क्या हम इस ट्रेन में नहीं नहीं इस ट्रेन नहीं 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 चरस गांजा नहीं बेचते इस ट्रेन में हम फर्स्ट टाइम जर्नी कर रहे हैं खाना देखना है हमको इसका खाना देखेंगे ना इसका खाना देखेंगे ना ठीक है बंद तो नहीं होगा बंद तो नहीं हमको बता दीजिए कैसे प्लेट दे रहे खाना अरे खाना कैसे प्लेट दे रहे ठीक है यहाँ का पेंटीगार में जरूर कुछ गड़बड़ी है तभी ये लोग यहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दे रहा है यहाँ आसनसोल मुंबई एक्सप्रेस में कुछ गड़बड़ी है खाने में तभी ये लोग वीडियो नहीं बनाने दिया तो पेंटीगार से यहाँ पे मेरे बर्थ के आसपास में एक दो जन ने खाना ऑर्डर लिया था तो उन लोगों का खाना देखते हैं और उन लोग से पूछते हैं कि कैसा टेस्ट है पहले तो आप लोगों को हम खाना दिखाते हैं कि खाने में क्या ऑर्डर किए थे भैया खाने में एक वेज थाली ऑर्डर किया हुआ था जिसमें कि दो सब्जी और राइस और दाल है ये आप देख सकते हैं दाल खुलेगा दाल में आपको दाल नहीं पानी दिखेगा सिर्फ दाल में पानी ये देखिए सिर्फ पानी दिख रहा है बस ये दाल है और उसमें क्या वो पैकेट में ये एक्स्ट्रा राइस है एक्स्ट्रा राइस हाँ तो उसका एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा नहीं नहीं 120 इसका ही पूरे का कॉस्ट है 120 अब कैसा टेस्ट कैसा है देखिए टेस्ट तो अभी तक ये जो भाजी है ये बटाटे की भाजी आलू की भाजी है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल आलू सीझा भी नहीं है ऐसा लग रहा है आलू सीजा गला भी नहीं है बिल्कुल जब हम पेंटी कर गए थे ना वहाँ पे वीडियो शूट करने हाँ। तो वहाँ पे मेरा कैमरा वगैरह बंद करवाने लगा लड़ाई करने लगा मेरे से कि शूट नहीं करने देंगे
पता नहीं वो क्यों नहीं मुझे सूट करने दिया, मुझे पता नहीं। इसी का ये रिजल्ट है, आप देख सकती है इसका आउटकम। अच्छा, है ये मतलब खाना सड़ा हुआ दे रहा था उसके उसी का एकदम एकदम एकदम। और आप मुझे ये बताइए कि ये जो पूरे थाली का ये कॉस्ट 120 कैसे पड़ रहा है, मुझे ये तक समझ नहीं। 50 रुपए का, 50 रुपए, 50 रुपए का थाली, वही पे बोल रहा हूँ 50 रुपए का थाली है, 120 रुपए में कैसे दे रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आप इनसे ओरिजिनल बिल मांगिएगा तो इनका देखिएगा कैसे रिएक्शन होगा। वही बिल देखना है ना, 120 रुपए में अगर ये रेलवे ऐसा खाना खिला रहा है तो मैं तो बोलूंगा ये वीडियो को इतना शेयर करो कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए कि 120 रुपए में आप क्या दे रहे हो। इस वीडियो में दिखाना है ना क्या है, खाना देख लो आप। हाँ, आप एक बार देख लो अच्छे से, ये दाल है इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है और ये एक्स्ट्रा राइस है इस पैकेट में और कुछ नहीं है, और ये 120 रुपए का है। टेस्ट बिल्कुल ही खराब है, क्वालिटी बिल्कुल ही खराब है। सब कोई बोल रहा है टेस्ट बिल्कुल खराब है खाने का, ये हमारा तभी तो किसी को बोला नहीं है सर। यहाँ तो ये सामने बोल रहे, देखो क्या बोल रहे हैं। ये जो आलू की भाजी है, बटाटे की भाजी सर, बोलिए, ये बिल्कुल भी इतना हार्ड है, मतलब ऐसा लग रहा है इसको ढंग से बॉयल नहीं किया गया है। कैसा मतलब ये इंडियन रेलवे, ये लॉन्ग जर्नी वाला ट्रेन है, इस पे भी आप ढंग से खाना नहीं सर्व कर रहे हो, कैसे लाल बाबू दाल। अरे सर आप रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए, तो नहीं रहे सर, आप रिस्पॉन्सिबल पहले खाना बांटने पर भी कंप्लीट कर देगा सर, रिस्पॉन्सिबल आप हो या नहीं हो। हम क्यों नहीं सर, 10 मिनट बाद ही आपको सुनूंगा सर, 10 मिनट के बाद आ रहे हो पक्का आएंगे सर। तो भाई साहब फिलहाल अभी हम पहुंच गए हैं जबलपुर, हमारी ट्रेन जबलपुर स्टेशन पे पहुंची है, जबलपुर जंक्शन में। तो अभी यहाँ पे जो है कुछ देखते हैं, जाके खाते हैं क्योंकि हमको भी भूख लग गया, पैंडीगढ़ का खाना हम नहीं खाएंगे, जबलपुर में ही जाके कुछ लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी साइड में खाना मिलता है। यहाँ पे जबलपुर स्टेशन में इस ट्रेन की स्टॉपेज 5 मिनट है। ये कैसे, ये बड़ी वाली, ये बड़ी वाली, ये 40 रुपये गर्म है, देखो एक ये कैमरा है भैया, रिकॉर्डिंग चलती जी, ये हमेशा चलती रहती है मेरी। हाँ आपकी भी चलती है, यूट्यूब में डाल जी, यूट्यूब पर डाल। और ये पेटीज कैसे हैं, ये पेटीज पनीर वाले, ये पनीर वाले पेटीज भाई 40। ये चैनल कौन सा मेरा, ट्रैवल विद निखिल, ट्रैवल विद निखिल। ये सिर्फ ब्रेड नहीं, इसके अंदर आलू भी है। एक बात और ये बताओ यार, चावल एक ढंग से बॉईल नहीं हुआ था, बटाटा भी बॉईल नहीं हुआ था, ये भी बताओ। चावल कच्चा था इसके लिए। और एक बात और बताओ, 120 का जो थाली आता है उसमें रोटी नहीं आता है, ओनली राइस, राइस ओनली राइस रहता है, ओनली राइस, राइस का ऑर्डर लिया, राइस ही बनता है, रोटी नहीं आता है। नहीं रोटी बनती नहीं सर, रोटी बनता तो रोटी सब पब्लिक को नहीं खिलाते सर। आप बिल लेके अभी आओ तभी आप। ओके ये फर्स्ट टर्नल हमारे जर्नी का, तो बात कुछ ऐसा है कि अभी हम पहुंचे हैं इटारसी जंक्शन। इटारसी जंक्शन बोले तो मध्य प्रदेश का बहुत ही बड़ा जंक्शन है, और यहाँ से 3 रूट कटती है, एक रूट चले जाती है दिल्ली की ओर, एक रूट चले जाता है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु चेन्नई की ओर, और एक रूट चले जाता है यहाँ से बॉम्बे की ओर, मुंबई की ओर। तो यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 10 मिनट है, और हमारा जो खाना आने वाला है, हम पैंडीगढ़ में खाना नहीं खा के, हमारा जो खाना आने वाला है हम यहाँ पे ऑर्डर किए, यहीं से बाहर से मेरा खाना आने वाला है, वो भी ये भैया के थ्रू। ये भैया यहाँ के गार्ड है, मतलब कि वो तकिया वगैरह जो होता है वो सब चीज़ देने के लिए ये रहते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे शहर के ही रहने वाले हैं, तो इन्होंने बताया था कि हम बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, अच्छा खाना रहेगा, तो हम इन्हीं को बोल दिए थे, तो ये मेरे लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर दिए। तो यहाँ पे 10 मिनट रुकेगा, उतना देर में मेरा खाना आ जाएगा। अब ये स्टेशन के बाद जो है अगला स्टेशन आता है खंडवा, खंडवा से पड़ जाता है महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है। खंडवा लगभग रात को 8 से 8:30 बजे के बीच में खंडवा पहुँचेगा। तो चलिए आता है, खाना का इंतजार करते हैं, खाना आता है और आप लोगों को हम बाहर का खाना दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम मंगाए हैं खाना बाहर से, इटारसी से जो देख रहे हो आप, ये बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है, आप खा के हम बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। एक देखो, एक तरह का ये सब्जी है, क्या चीज़ का सब्जी है पता नहीं, और एक सब्जी यहाँ पे दिया है मटर वगैरह इसमें, तो 2 सब्जी दिया है, राइस दिया है,
ये कांदा दिया है और रोटी दिया है, चार रोटी दिया होगा। तो ये जो मेरा खाना पड़ा है ये 180 रुपए का मुझे पड़ा है, तो पेट भरने के लिए काफ़ी है। सब्जी जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी है। क्या लेने आया आप, फीडबैक किस चीज़ का? ये क्लीनिंग के लिए। क्लीनिंग के लिए क्या लग रहा है आपको? क्लीनिंग तो ओवरऑल अच्छा ही लग रहा है, तो बेसिकली सब में थोड़ा जैसा इनका है क्राइटेरिया एवरेज और गुड, इससे ज़्यादा मतलब वेरी गुड और एक्सेलेंट में तो फिट नहीं बैठ रहा है, तो मैं इसको एवरेज और गुड के हिसाब से दे रहा हूँ, हिसाब से दे रहा हूँ उसको। और फिलहाल मैं ये फीडबैक पहले वाला बिल तो दे दो, सब मिलेगा भाई साहब, अच्छा ही मिलेगा। हाँ, सब इकट्ठे आपको देंगे एक साथ। रात में सर दो सब्जी है, सब्जी मालूम पड़ा लेकिन सब्जी है, एक भुजिया है और दाल है, चावल है, रोटी है। ऑर्डर कर जो तुम खाना ऑर्डर कर। हाँ, नॉन वेज चिकन है, अंडा है। हाँ जी, क्या पड़ेगा? 120 सर, 120 10 रुपए कम पड़ रहा है भाई। क्या मन है ना सर? सुबह में रोटी नहीं दिए, सुबह रोटी नहीं था साहब जी, रात में रोटी। हाँ, रात में रोटी, फिर भी 120। आपका क्या करते साहब? उनको हाथी गंडा और चावल। हाथी गंडा तो हमने साहब अभी तो खुद नहीं देखा हमने, सादा खाना रहेगा ना गंडा वाला। क्या है भैया ये बिल है साहब? देख लीजिए आप, पढ़े लिखे आप, हम लोग देखिए बिल। एक मिनट, ये हाथ से आप कुछ भी लिख दोगे तो मतलब क्या है ये, जरा आप दिखाइए कैमरा में। हाँ देखिए, इसमें क्या है ये, देखिए ये हाथ से लिखा हुआ कुछ भी नंबर है, अब यहाँ पे 20 और फिट करके नीचे और 3-2-0 डाल दिया जाए तो क्या इतना बिल देने के लिए लायबल हो जाएगा? बैट नंबर है, देखिए बैट नंबर कुछ है, जीएसटी नंबर जीएसटी लिखा हुआ IRCTC बोल करके सर। ये क्या, ये कौन सा कैटरिंग सर्विस है? जब लेने के टाइम पर ही इनसे पूछा गया कि क्या आप IRCTC से हैं, इन्होंने बोला कि हाँ हम IRCTC से हैं। दूसरी बात, क्या आप IRCTC का बिल दोगे? हाँ हम IRCTC का बिल देंगे, ठीक है। और IRCTC क्या खाना ऑफर करता है ये मेरे पास है, ये पूरे इंडिया में जानकारी है क्या ऑफर करता है खाना, क्या मेन्यू है उसका, ये नेट पे दिया हुआ है, और क्या चार्ज करता है, ठीक है, इसलिए आपको बोला। और ठीक है आप 120 इसमें डाल देंगे तो क्या 120 के खाना आपका वर्थ इट हो जाएगा? मानते हैं आप IRCTC से नहीं, आप दो बार झूठ बोल करके ही बेचे खाना अपना, तो ये बिल आप कुछ भी लिख करके दे देंगे? बोलता है सच बोलने में सर, नहीं सच आपको बोलने का था ना सर। और देखिए आप, देखिए आप सही बताए, आप IRCTC से सही बताइए, कंपनी छोड़ो सर, IRCTC से हैं हम लोग, कंपनी छोड़ो है, आपसे हम पूछ रहे हैं आप IRCTC से हैं? नहीं है, तो अब वो टैग क्यों लगा? वर्दी दिया जाता ना कंपनी डेटा तो फिर आपका, एक मिनट, कंपनी आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विस है, जो भी है इस कंपनी का आपको वर्दी दिया जाएगा ना। मैं मीडिया से हूँ, मैं पुलिस का वर्दी लगा करके चलूँ और सबसे मतलब वसूलूं पैसा तो क्या रहेगा? आप बोलो, होता नहीं है सर। अभी मेरे पास कैमरा है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं मीडिया से हूँ, तो आप ये बात बोल रहे हो कि हाँ ऐसा ऐसा है। अभी कल को कोई जनरल आदमी, कोई नॉर्मल आदमी ये बात बोलेगा कि ऐसा है मतलब, तो आप तो बोलोगे कि नहीं भाई आप पैसा दो, आप तो उसके साथ बदतमीजी करने लगोगे। मेरे पास कैमरा है तो नहीं सर, कैमरा देख के आपको डरना नहीं है, आपको काम ईमानदारी से करने का था ना। गलत तो सबसे पहले आप ये किए हैं कि आप IRCTC से हो नहीं, उसका टैग लगा के घूम रहे हो, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। कंपनी जो वर्दी देगा ना, कंपनी को आप बोलिए कि हम जब नहीं है तो हमको क्यों पहना रहे? आप कंपनी के ओनर है सर? अभी हम बोले ना आपको मैनेजर को बुला के लाइए, बोला कि आप अपने से ऊपर सबऑर्डिनेट मैनेजर को बुला रहे, आप बुलाओ उनको जो आप हम देखे कि दो बार इधर से इधर किए वो मेरा शकल देख के वो पे वो कुछ बोले नहीं, हम भी क्यों नहीं क्यों बोलने जाएं भाई। आप ये बिल पकड़ो, मैं बिल नहीं ले रहा, और आप मुझे एक बात ये बताओ, पहले तो आप मुझे ये पकड़िए, एक और बिल है इधर, आप आराम से मेरी बात सुनो, रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? रिस्पॉन्सिबल आदमी को यहाँ पे बुलाओ, क्योंकि आपका खाना खाया तो मैं पैसा पे करूंगा, लेकिन ये वाजिब पैसा नहीं है, ठीक है, ये लेजिटिमेट। नहीं 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 नहीं, आप पहले उस आदमी को बुलाओ, बातचीत भी तो करनी है ना, बातचीत भी तो करना है। हम तो सबसे पहले हमको उसी समय से गुस्सा लगाया जब हम पेंट्री कर गए, वहाँ पे हमको शूट नहीं करने दिया, क्यों? अब कौन सा तेल से बना रहे हो खाना, हाँ कौन सा कढ़ाई यूज कर रहे हो, आपका गंदगी है नहीं है, क्यों चिपकली की निकल जाता है उसको निकाल के फेंक देते हो आप लोग, वही खाना सर्व कर देते हो। हम बहुत बड़े फूड वाले को पकड़े हैं ऐसे,
ऐसा हो रहा है। अरे सर लॉन्ग जर्नी का ट्रेन है, खाना पीना मजबूरी। आप कौन सा तेल यूज करते हो? तो बोल के मत बेचो यार, कम से कम आपको एक एक चीज बताने का अधिकार है। हमको पूछने वाले आपको बताना पड़ेगा आप कौन सा तेल यूज करते हो। आप उस समय हमको क्यों नहीं बता वहाँ करने दिए, आप इतना बता दीजिए क्यों नहीं करने दिए थे? अचानक जाइएगा, हम लोग काम कर रहे हैं तो आप भैया आप सही तरीके से काम कर रहे थे ना? सवाल पूछा गया क्या? कर रहे थे आप कुछ गलत तो नहीं ना कर रहे थे वहाँ? तो कुछ नहीं, हम लोग चरस गांजा थोड़ी बेचते हैं। नहीं नहीं, वो चरस गांजा तो आप यहाँ बेच भी नहीं सकते हैं। आप तो कुछ वहाँ गलत नहीं ना कर रहे थे, तो फिर आप क्यों हमको मना कर रहे थे? आपको खुल के बोलना था हाँ भैया देखिए हम इतना अच्छा सर्विस देते हैं, हम भी खुश, देखने वाला भी खुश, सब कुछ। आप नेक्स्ट टाइम क्या बोला आपको भैया कि भैया देखिए आप बोलते हम बच्चा नौकरी चल जाएगा, जोड़ लेना दे दिया। बच्चा का नौकरी नहीं चले जाएगा, नौकरी हम खा जाएंगे मैनेजर का। काहे गायब हो जाए? आप बुला के लाइए ना उसको। आप तो झूठ बोल के हाँ पक्का बिल देंगे, पूरा एकदम ठाट में बोल के गए। सच बोल के काम करना चाहिए। ये पूछे भैया पूछे कि बिल दीजिएगा ना, पक्का बिल IRCTC वाले दीजिएगा। इंडियन ऑयल हाँ एकदम देंगे, पूरा एकदम बोला हाँ हम देंगे। गलती किसका है? इसका ना मैनेजर का। गलती इसका है, मैं और ये अभी बोल रहे हैं कि हम IRCTC से नहीं है। जब नौकरी जाएगा तो कौन जाएगा? इसका जाएगा ना मैनेजर का। IRC ये बोला कि हम IRCTC से अभी बोल रहे हैं नहीं है, तो टैग क्यों लगा के घूम रहे हो भाई? क्यों घूम रहे हो? जब जब ये सर्ट इसका नौकरी नहीं जाएगा, सर्ट इसको मैनेजर ने दिया होगा ना? मैनेजर ही दिया होगा उनको ही बुलाने का है कि कंपनी देता है। अरे कंपनी आपको डायरेक्ट नहीं ना जानता है, कंपनी मैनेजर को जानता है या ओनर को जानता है। ये बिल कौन लिखा है? आप उसको ही बुलाओ। ये सिग्नेचर किसका है? क्या नाम सिग्नेचर? क्या तो नहीं है पढ़े लिखे? किसका सिग्नेचर है उसको तो बुलाओ। क्या डॉक्टरी भाषा में सिग्नेचर लिखा पता भी नहीं? और ये कोई सिग्नेचर है? बैंक में यही सिग्नेचर करता है। हम लोग बैंक में जो सिग्नेचर करते हैं हर जगह वही सिग्नेचर चलाते हैं। ये कोई सिग्नेचर है? देखिए क्या सिग्नेचर है ये? जो भी ये आदमी को आप टू टाइम W ये आदमी को आप बुलाइए, क्योंकि इसने बिल बनाया, रिस्पांसिबल ये है, इससे ही बातचीत होगी ऑन कैमरा। हो हम लोग कुछ मिस भी है, हम वहाँ भी नहीं किए थे और यहाँ भी नहीं किए। नहीं नहीं नहीं, अरे भैया क्या पैसा क्यों नहीं देंगे? पैसा देंगे, आप बुला के ले आइए, हम देंगे भैया। नहीं नहीं, अरे भाई देखिए मेरे बात समझो पहले, पैसा देंगे। एक मिनट आप समझो पहले। हाँ, आप समझो। ये बेचारा का जो ये जो कुत्ते का तरह जो दौड़ रहा है ना, हम समझ रहे हैं ना। तो भाई ये कुत्ते का तरह दौड़ रहा है ना, 10 रुपया के लिए सिर्फ इसको 10% कमीशन मिलता है। हम उसको 100 रुपया देंगे? नहीं, बात 100 रुपया, आपसे 100 रुपया मांग नहीं सकते। हम 100 रुपया देंगे इसको, एक्स्ट्रा देंगे। अब उसको बुला लो, मैनेजर को बुला लो, उनको हम दे देंगे। बुला के ले आइए ना भैया। देखे बहुत सारे मीडिया वालों को भी देखे इससे चमका के खाता पीता। अरे 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 सुनिए, यहाँ कोई धमका के खाने पीने वाला काम नहीं कर रहा है। देखिए धमका के खाने पीने का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है। बात ये यहाँ सच्चाई का बात हो रहा है। सच्चाई देखिए, अभी उसको अगर 240 रुपया मेरे तरफ से और इनका जो भी फीस है वो दे भी दिया जाए, जो खाने का चार्ज है, लेकिन कल को फिर वही गलत काम करेगा, दूसरे को गंदा खाना बेचेगा, वही काम करेगा। आप उसको कुछ मत दिए ना, उसका पैसा उसको जेब से भरना पड़ेगा। नहीं भरने देंगे हम, आए अभी पेंटी कराए क्या हम ही लोग? पैसा देना, रुको पैसा देना। आप कहाँ गए? अपने मैनेजर साहब बुलाइए। पेंट्री ब्लॉक हो गया सर, अच्छा पेंट्री ब्लॉक हो, मैनेजर साहब बुलाएं, पैसा देना है। आप ऐसे बोल के आए कि कैमरा दिखा के फ्री में खा लेते हैं भैया, आप ऐसा पेंट्री ब्लॉक है सर जी, आप कोई बात नहीं, ठीक है ऐसा आप शब्द बोल के क्यों आए कस्टमर से? नहीं, पैसा आपको तो देंगे भैया जी, पिसाब पैसा देंगे, बुला लीजिए ना, पैसा देंगे भैया। हम अंदर नहीं जा रहे हैं, आप हमको हम अंदर नहीं, हम अंदर जाएंगे आप हमको रोक भी नहीं सकते। पहली बार हम अंदर जाएंगे हमको आप रोक भी नहीं सकते। बात सर, पेंट्री लोग हो गया, कोई सर्विस नहीं? नहीं सर्विस नहीं, हम नहीं, हम सर्विस लेने भी नहीं आए हैं। आप जो ऐसा बोल के आए कि कैमरा दिखा फ्री में खा लेते हैं, आप बोल के आए ना, ये तो हमको डरा रहे हैं। नहीं नहीं, आप बोले आप डरा नहीं रहे, ये डरा रहे हैं। नहीं आपको पैसा चाहिए, हम लोग पैसा देंगे, पैसा हमको नहीं चाहिए, पैसा देंगे ठीक है, लेकिन आप जो हमको बोले ऐसे नहीं, पैसा नहीं चाहिए। आप ऐसे क्यों बोल के आए ना आपकी कैमरा दिखा के फ्री में खा लेते हैं भैया, पैसा अब हमको बिल दीजिए, हम पैसा दे देंगे, दीजिए बिल हमको। कहाँ दिया वो बिल? था एक कागज का टुकड़ा, वो बिल था। बिल का मतलब जानते हैं? VAT नंबर होता है, GST नंबर होता है, टिन नंबर होता है, ठीक है। बिल का मतलब वो होता है, एक माचिस का डब्बा भी खरीदेंगे तो उसका भी बिल होता है, ठीक है, देता है। हम पेंट्री के अंदर जा भी नहीं रहे,
और हम पेंट्री के अंदर चले भी जाएंगे ना, आप हमको नहीं रोक सकते। अच्छा एक बात ये है, ये पेंट्री के अंदर जा करके अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो आप रोक क्यों रहे? क्यों रहेंगे बताइए, टाइम खत्म हो गया सर क्या? नहीं नहीं, अरे अभी का नहीं बता, आपको कुछ करने नहीं। अभी है मैनेजर साहब, हाँ एक मिनट, एक मिनट आने दीजिए उनको, आने दीजिए उनको, अरे उनको आने दीजिए, हम नहीं जा रहे हैं। एक मिनट छोड़िए, एक मिनट ये हमको वहाँ पे जाके बोले बर्थ में कि ये लोग कैमरा दिखा के फ्री में खाना, फ्री में खाना खा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अब शब्द कौन बोला? कैमरा दिखा के उनसे हम बोले, जब ऑर्डर लेने आए उनसे बोले भैया आप बिल दोगे हमको? बोला कि हाँ एकदम देंगे, ठीक है। हम आए यहाँ देखने के लिए कि भैया हमको कौन सा खाना सर्व किया जाता है, उस समय हमको भगा दिया गया यहाँ से। मैं था, मैंने मैं आपसे, हाँ हम जान रहे हैं आप थे, आप मेरा अगर वीडियो कर रहे हैं यहाँ पे तो आप मुझसे पूछेंगे ना अगर यहाँ पे ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी बात सुनिए, हम यहाँ किराया दिए हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये ट्रेन जो है ना ये हम लोगों का है, वो आपका ट्रेन आपका हो सकता ठीक है, ये भी ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमको देखने का अधिकार है कि वहाँ कौन सा तेल आप सफाई रखते हैं नहीं रखते, वो आप देखिए। हाँ पर अगर आपको वीडियो बनाना हो या फिर कोई भी अगर, तो आपको डर अगर लग रहा है कि मेरा यहाँ पे, मेरा यहाँ कैंटीन साफ नहीं है, हम ये कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसको हमेशा सुधार के रखिए। डरने की बात नहीं है, अगर आपके घर में मैं जाऊँगा ना आपसे परमिशन लेकर ही जाऊंगा। सर ये आपका घर नहीं है, ये आपका घर नहीं है, ये पब्लिक का है, ये इधर आन जान करता है, सब आन जान करता है, वो ठीक है, और कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। आप बुला लीजिए पुलिस वाले, बुलाइए हम उनको जवाब देंगे। सर बुलाइए, आप एक चीज ये सोचे कि हम लोग को यहाँ तक आने का जरूरत पड़ा क्यों? जब आपसे आपके जब आपके वेंडर से पूछा गया कि सर आप खाने का बिल दोगे, उन्होंने बोला कि हाँ देंगे, और उससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया क्या आप IRCTC से हो, IRCTC का बिल दोगे, उन्होंने बोला कि हम IRCTC से हैं और हम IRCTC का बिल देंगे, और जब दो टाइम का खाना उनसे लेके खा लिया गया तो वो आकर के किसी एक कागज का टुकड़ा, कागज में पेन से कुछ भी लिख करके, सर अभी पेन से अगर क्योंकि IRCTC के बारे में जानकारी, अच्छा मानिए चले आप उसमें 120 लिख के दिए, वो आगे जाके एक सुनना पड़ा था 1200 नहीं 1200 हो जाएगा, तो आप 1200 सुनोगे कस्टमर से क्या? वैट नंबर, क्लीन नंबर, GST बिल होता है, वो कंप्यूटर से निकलता है, प्रिंट आउट होता है, ठीक है, नहीं प्रिंट कर सकते हैं तो वो आप लिखिएगा, उसके नीचे कार्बन रहेगा, कार्बन कॉपी आपके पास रहेगा, ओरिजिनल भी कस्टमर के पास है, उसका रिकॉर्ड होता है कंपनी के पास, ठीक है। और ये सबसे पहले बोलते हैं कि हम IRCTC से नहीं है, बेचने के टाइम पैसा क्यों बोला गया? मानते हैं अगर उनमें और उसमें और हम में अगर इतना समय लगे तो मैं भी आज खाना ही बेचता हूँ। हम एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं, बस जो चीज़ हो रहा है ना उसमें सुधार ले आइए, उसमें सुधार करिए, पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट के लिए ही हम लोग यहाँ पे आए सर। हम लोग पैसा हम क्योंकि जान रहे थे कि बेचारे गरीब का पैसा खराब हो जाएगा, ठीक है। चलो जाओ, चलो भाई, लास्ट आप मैनेजर हैं, आपसे लास्ट में एक बात करना है, तुम्हारा कितना होता दे दो, 500 मेरा तो दोपहर में दे दिए थे ना, दो चार ही थे, अभी का खाना है ना दे दो, 240 आप मैं पे कर रहा हूँ, हाँ वो उनसे हम दिला देंगे, आप आइए वहाँ पे दिला देंगे, ठीक है। पहले आप मेरा 240 तो कर दीजिए, अगर ये इनके आप ड्यूटी करने आते हो ना, आते हो, अगर ये खाना नहीं खाएंगे तो आप घर के आप बच्चों को क्या पालोगे? आपके बच्चे पलेंगे नहीं पलेंगे ना, ये कौन है है ना, इनके ही द्वारा चल रहे हैं ना हम लोग, अगर इनसे हम बैर करेंगे तो चल पाएंगे? भैया हमारे ऐसे अगर कस्टमर 100 कस्टमर अगर ट्रेन में आ जाए ना तो पेंटी कार का भट्टी बैठ जाए, याद रखिएगा। हम तो आप अपने पेंटी कार चलाना है तो अपने आप में सुधार लाओ, बस इतना ही कहते हैं। बिल 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 निकालिए, बिल निकालिए, देखो गुस्सा के बिल भी फाड़ दिया, हम कहला वो लेके आ गए आपके दोस्त जो वो थे ना, जो रोक के रखे थे वो लेके फाड़ दिए गुस्सा के। अच्छा छोड़ो, अरे कोई बात अभी सुबह फिलहाल पहुंचा हुआ है अपना ट्रेन दादर स्टेशन, और दादर स्टेशन जैसे ही पहुंचा तो पूरा का पूरा मेरा बोगी जो है खाली हो चुका है। अब इसके बाद जो आएगा अगला स्टेशन आप लोगों को दिखा देते हैं, इधर पूरा खाली हो चुका है और इधर भी जो है पूरा खाली हो चुका है, कहीं भी एक भी पैसेंजर नहीं है, एक दो उधर बैठे हुए, बाकी बात पूरा आप देख लो पूरा का पूरा खाली हो चुका है। तो अभी दादर स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं, अब यहाँ से थोड़ी देर में 6 बजे सुबह जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, आधे घंटे के अंदर में हम अपने जगह पर रहेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में। तो फिलहाल देख लो ये दादर क्रॉस कर गया उधर स्टेशन, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में। अब यहां से हम बाहर निकल रहे हैं, बाहर में जाके हम कॉल करेंगे जो मुझे यहां पे स्पॉन्सर करके बुलाए हैं दिलीप डोंगरे साहब,
तो उनको जाके बाहर कॉल करेंगे, देखेंगे कि वो कहाँ पे, और फिर वो कहाँ जहाँ ले जाएंगे वहाँ पे हम चलेंगे। तो अभी चलिए फ़िलहाल निकलते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई से, बाहर निकलते हैं मुंबई शहर में जाते हैं। ये स्टेशन के बाहर में ही पास में ही ताज होटल, गेटवे इंडिया सब यहीं पे पास में है। तो वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दिलीप डोंगरे साहब लिए हुए हैं। तो अभी बाहर निकल के उनको कॉल करते हैं और आप लोगों को भी उनसे मिलाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे से एक भैया मिले जो कि प्रोफेसर हैं अपने देवघर शहर में ही। ये रहने वाले तो उत्तराखंड के हैं लेकिन हमारे यहाँ पे जॉब करते हैं, संस्कृत के लिए टीचर है। तो आपका शुभ नाम भैया? राहुल पोखरियाल। राहुल पोखरियाल ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो अभी पूरे जर्नी में तो इनसे मैंने बात नहीं की, इनको मैंने जबकि जसीडी में स्टेशन में देखा भी तो अचानक से ये मुझे दिखे, तो मैं खुद इनको टोक के मैं इनसे बात किया। तो इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। तो ये भी फर्स्ट टाइम मुंबई आए हुए हैं और ट्रेन से हम भी फर्स्ट टाइम आए हुए हैं मुंबई, लेकिन मेरा मुंबई थर्ड टाइम है। एक बार हम बाइक से आए हुए थे, एक बार साइकिल यात्रा पे जब 12 ज्योतिर्लिंग निकले थे उस समय आए थे, और एक बार अभी आए हुए हैं ट्रेन से। तो अब आगे देखिए फिर कब आना होता है मुंबई। फिलहाल चलते हैं बाहर और आप लोगों को दिखाते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का, मुंबई स्टेशन का बाहर का नज़ारा। तो भैया फाइनली निकल चुके हम स्टेशन के बाहर में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर में, और अभी हम खड़े हुए हैं व्यू पॉइंट पे जहाँ से सब कोई फ़ोटो क्लिक कराता है स्टेशन का। तो आप यहाँ सामने देख रहे हो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन है और उसके जस्ट सामने एक बिल्डिंग है जो मुंबई महानगर पालिका है। तो यहाँ पे ये जो स्टेज टाइप का आप देख रहे हो जो यहाँ पे लोग सोए हुए हैं, यहीं से सब कोई फ़ोटो क्लिक कराते हैं स्टेशन के बाहर में, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो फिलहाल अभी हम पहुँचे हैं चर्च गेट के पास, चर्च गेट स्टेशन के पास। डोंगरे साहब वहाँ पे आ गए थे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आप लोगों को हम दिखा दें कि डोंगरे साहब कौन है। तो यही है वो डोंगरे साहब जिन्होंने पूरा स्पॉन्सर किया है मुझे यहाँ मुंबई दर्शन कराने का, मुंबई घुमाने का, आने जाने का टिकट सब कुछ इन्हीं के द्वारा हुआ है। तो अभी हम पहुँचे हुए चर्च गेट और चर्च गेट से डोंगरे साहब के साथ हम जाएंगे इनके घर पे और वहीं पे फ्रेश होके फिर हम आगे का जैसा डोंगरे साहब बताएंगे वैसा शेड्यूल ये बना के रखे हैं, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो चलिए चलते हैं डोंगरे साहब। तो ये वाला जो वाइट वाला बिल्डिंग दिख रहा है आपको, ये है चर्च गेट स्टेशन। यहाँ पे अभी डोंगरे साहब ले रहे हैं टिकट, किस जगह का ले रहे हैं टिकट पता नहीं, तो अभी ले लेते हैं उसके बाद फिर पता करते हैं कि बोरीवली का ना, तो बोरीवली का इन्होंने टिकट लिया और यहाँ पे गेट के उस पर जाएंगे। लोकल ट्रेन जो मुंबई का लगा हुआ है चर्च गेट स्टेशन में, गेट के उस पर में लगा हुआ है। तो आज हम लेने वाले हैं लोकल ट्रेन का मज़ा मुंबई में। तो फाइनली चढ़ चुके हैं हम लोकल ट्रेन पे, मुंबई का लोकल ट्रेन पे फर्स्ट टाइम हम चढ़ चुके हैं। वो साइड में आज जो आ रहा है वो भी जाएगा बोरीवली के साइड और ये भी जाएगा बोरीवली के साइड। ये साइड वाला जो ट्रेन है ये 15 डब्बे का है और वो साइड वाला जो ट्रेन है वो 12 डब्बे का है। वो ट्रेन जो है अभी जस्ट आया है 12 डब्बे वाला, वो भी जाएगा लेकिन इसके बाद जाएगा, पहले ये निकलेगा फिर बाद में वो निकलेगा। तो अभी जाते हैं और रास्ते में आप लोगों को हम दिखाते हुए जाएंगे मुंबई सिटी, मुंबई सिटी से होते हुए ये गुजरेगा ये ट्रेन बोरीवली तक जाएगा डोंगरे साहब का घर। तो अभी हम यहाँ पे गेट के पास ही खड़ा रहेंगे और डोंगरे साहब वहाँ पे बैठे हुए हैं सीट पे। तो यहाँ पे जो है ट्रेन चल चुकी है, लोकल ट्रेन आप देख रहे हो, सिर्फ लोकल ही लोकल। और यहाँ पे सामने मुझे दिख रहा है वानखेड़े स्टेडियम, ये इंटरनेशनल स्टेडियम है वानखेड़े जहाँ पे क्रिकेट मैच होती है। ये चर्च गेट के जस्ट पीछे में है, मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है मुंबई का लोकल ट्रेन को। मुंबई का अगर लोकल ट्रेन ना रहे तो यहाँ का जनता जो है पागल हो जाएगा। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम बोरीवली, डोंगरे साहब का जहाँ पे घर है अभी जहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आज हम फ्रेश होके फिर निकलेंगे कहीं घूमने के लिए, देखते हैं कि क्या होता है। तो इस वीडियो को सोच रहे हैं यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम, जय माता दी, हर हर महादेव।